हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज शीतल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केस लॉ, केस फैक्ट एंड जजमेंट ऑफ द केस एशबी वर्सेस वाइट। अब ये जो केस लॉ है, इसकी पहले कुछ डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो ये केस लॉ जो है, ये डिसाइड हुआ था इन द ईयर 1703 में। इसकी जजमेंट दी थी ऑन द डेट 1 जनवरी ऑफ 1703 में। ये डिसीजन दिया था बाय द कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच। फिलहाल हमारे पास कोर्ट ऑफ जज बेंच होता है, यानी कि हमारे पास फिलहाल जजेस के बेंच होते हैं, लेकिन उस वक्त किंग्स के बेंच होते थे, इसलिए ये जजमेंट दिया था कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच ने। अब ये जो केस लॉ है, ये रिलेटिंग टू वोटिंग है, इसलिए ये केस जो है, इसके फैक्ट जो है, वो इतने इम्पॉर्टेंट थे कि ये कोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक जाके रुक गए। और इसके जो फैक्ट थे, इसके ऊपर पार्लियामेंट में इतना डिबेट हुआ कि ये केस लॉ जो है, और ये जो केस है, ये न्यूज़ में आता रहता था बार बार। एंड ड्यू टू दैट इसे सेकेंड नाम दिया गया था। तो ये जो केस लॉ है, इसका सेकेंड नाम है एलिसबरी इलेक्शन केस। ये इसका सेकेंड नाम है जो दिया था पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रहा था तब। तो अभी हम देखते हैं इस केस का फैक्ट क्या था। तो इस केस में जो है, अम्प्लेनेंट थे मिस्टर एशबी, और जो डिफेंडेंट थे उनका नाम है मिस्टर वाइट। तो यहाँ पे मिस्टर एशबी जो है, ही वेंट फॉर द वोटिंग के लिए वो जा रहे थे। तो मिस्टर वाइट ने उनको रोका फ्रॉम गिविंग द वोट। अब यहाँ पे मिस्टर एशबी जो है, इनका लीगल राइट, वो ये कहता है कि उनको फ्रीली वोट देने दिया जाए, लेकिन यहाँ पे मिस्टर वाइट ने उनको वोट देने से रोक दिया। लेकिन यहाँ पे जिस पार्टी को मिस्टर एशबी वोट देने के लिए जा रहे थे, वही पार्टी जीत के आई। तो यहाँ से भी इंसान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा ये नहीं आता कि नुकसान कितना हुआ है। मुद्दा ये आता है कि क्या कोई लीगल राइट इन्फ्रीज हुआ है। तो यस, यहाँ पे मिस्टर वाइट जो कि कॉन्स्टेबल थे, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने मिस्टर एशबी को वोट देने से रोक दिया, जो कि उनका फंडामेंटल राइट था एंड लीगल राइट भी था। मिस्टर एशबी के फेवर में ये जजमेंट था एंड रॉन्ग डूअर यहाँ पे हो गए मिस्टर वाइट। तो ये इसका केस का फैक्ट है। अब हम जानते हैं जजमेंट क्या दिया गया था। तो जजमेंट जो है इस केस का, ये दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वन लीगल मैक्सिम। उस लीगल मैक्सिम का नाम है remedium। अब इस लीगल मैक्सिम का मीनिंग है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यानी कि जहाँ पे भी राइट है, लीगल राइट है, वहाँ पे रेमेडी होनी चाहिए। तो ऑन दिस बेसिस ये जजमेंट दिया गया था। तो इसीलिए जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है लीगल राइट का, वहाँ पे रेमेडी मिलना ज़रूरी है। तो ये था फैक्ट एंड जजमेंट अबाउट द केस। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, सो जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।